हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है नए स्टेटस ट्यूटोरियल में। तो चलिए आज को भी हम जानते हैं कि इस तरह के स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और यहाँ क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और आपको 16:9 एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको मीडिया ब्राउजर में इमेज सबसे पहले जो है एक ब्लैक कलर का इमेज सेलेक्ट कर लेना है और इमेज पे टच करके जो है आपको किनारे से इसके जो है लेंथ को बढ़ा देना है, जितना बड़ा आपको जो है स्टेटस वीडियो बनाना है। उसके बाद जो है कॉर्नर में टैप कर देना है और यहाँ पे ऑडियो पे जो है आपको टैप करके आपको एक सॉन्ग सेलेक्ट कर लेना है। आपको जो फोल्डर में रखे हुए हैं सॉन्ग, तो वहाँ से जो है आपको अपना सॉन्ग सेलेक्ट करके ले आना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको लेयर पे टैप करना है और टेक्स्ट पे यहाँ पे जो है आपको लिरिक का पहला लाइन जो है आपको यहाँ लिख लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट के साइज़ को बड़ा कर देना है और यहाँ पे जो है डबल ए पे क्लिक करके इसका फॉन्ट हम लोग चेंज कर लेंगे, माई फॉन्ट। तो यहाँ पे मैं जो है बेजी फॉन्ट ऐड करने वाला हूँ। अगर आपको फॉन्ट ऐड करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इस तरह का बहुत सा जो है अपना कस्टम फॉन्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ कॉर्नर में टैप कर देना है। तो देखिए जो है यहाँ पे बेजी फॉन्ट ऐड हो चुका है। तो आपको जो है सॉन्ग को प्ले करके सुन लेना है। उसके बाद जितने सेकेंड तक में जो है पहला लाइन हो उतने सेकेंड के बाद जो है आपको टेक्स्ट को जो है ट्रिम टू राइट कर देना है, एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जो है टेक्स्ट को जो है थोड़ा सा लेफ्ट में ला के एडजस्ट कर देंगे और हल्का सा थोड़ा रोटेट कर देना है इस तरह से। और उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग दो अंगुली से जूम करेंगे यहाँ पे टाइम लाइन पे, थोड़ा जूम कर बड़ा कर देंगे टाइम लाइन के। इस तरह से जूम करने से जो है की एनिमेशन लगाने में जो है अच्छा रहता है। तो इस तरह से दो अंगुली से जैसे फ़ोटो जूम करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे चाबी वाले पे यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है थोड़े देर बाद जो है एक यहाँ प्लस पे क्लिक कर देना है और एक लास्ट में जो है प्लस पे क्लिक कर देना है। फिर जो पहले हमने जहाँ प्लस लगाया था उस पोजिशन में आना है और यहाँ पर जो है टेक्स्ट को ऐसे नीचे की तरफ ले आना है। उसके बाद जो है फिर लास्ट में जाना है और उसके बाद जो है इस टेक्स्ट को थोड़ा सा सीधा करके आपको इस तरह से पोजीशन में कर देना है। तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरह का एनिमेशन यहाँ बन जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे लिरिक टेक्स्ट पे टाइप टच करेंगे और यहाँ पे इन एनिमेशन जो है फेड कर देना है 0.5 सेकेंड और इसका जो है फिर से यहाँ आउट एनिमेशन जो है इसका फेड रखेंगे और 0.5 यहाँ पे सेकेंड करके टैप कर देना है। उसके बाद जो है इसमें एक इफेक्ट लगाना होगा, तो लेयर पे जाना है, इफेक्ट पे जाना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ब्लर इफेक्ट जो है आपको स्पाइरल ब्लर इफेक्ट लगाना है। स्पाइरल ब्लर इफेक्ट जो है यहाँ पे आपको नहीं पता हो तो आपको डाउनलोड कर लेना है एसेट स्टोर से। उसके बाद जो है पहला लाइन जो है जितना में एंड हो रहा है तो उस पोजिशन में ले जाके ये इफेक्ट का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी जो है ट्रिम कर देना है। उसके बाद यहाँ पे स्पाइरल ब्लर वाला जो है लेयर पे जो है उसका थोड़ा सा सेटिंग करना है, थोड़ा सा इसका जो स्पाइरल ब्लर का इफेक्ट फुल स्क्रीन कर देना है और यहाँ से कुछ सेटिंग करना है तो उसको ध्यान देना है थोड़ा। यहाँ जो है आपको रेडियस 1 कर देना है और सेंटर वाई 70 कर देना है, इनवर्स 1 हो जाएगा और क्वालिटी 10 कर देना है और इनेबल जूम आउट 0 कर देना है। तो इस तरह से करके टैप कर देना है कॉर्नर में। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको फिर जो लिरिक का टेक्स्ट है उसको जो है लेफ्ट साइड में 3 डॉट है उस पर क्लिक करके डुप्लीकेट कर देना है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे कुछ एनिमेशन आपका रेडी हो जाता है, पहला जो है लाइन का काम हो गया है। फिर से अगले लाइन के लिए जो है आपको सिंपली डुप्लीकेट कर करके जो है अगला लाइन भी इसी तरह से बना लेना है। तो आपको जो है पहला लाइन को जो है आपको यहाँ फिर 3 डॉट पर डुप्लीकेट करना है और ये तीसरे में आ जाएगा। तो फिर जो है उस लाइन को आगे लेयर में बढ़ा देना है और फिर से ये स्पाइरल ब्लर इफेक्ट को फिर डुप्लीकेट करना है और उसको भी जो है आगे लेयर में बढ़ा देना है। और यहाँ पे जो है अगला लेयर का जो है आपको लाइन सुन लेना है, अगला जो है लेयर का जो है लिरिक है उस पर यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट को एडिट करेंगे। तो आपको वो टेक्स्ट एडिट कर देना है। अब फिर से जो है यहाँ पे ये लेयर को जो है पहला लेयर को फिर से यहाँ डुप्लीकेट कर देंगे। तो इस तरह से जो है सेकेंड लाइन का जो है यहाँ पे हमारा एडिटिंग हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग को डुप्लीकेट कर करके जो है आपको पूरा जितना लंबा स्टेटस बनाना हो उतना बना लीजिएगा। उसका जो एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है उसको
ट्रिम कर देना है, कट कर देना है ट्रिम टू राइट ऑफ द प्लेहेड, और यहाँ पे जो सॉन्ग भी जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको भी जो है कट करके हटा देना है ट्रिम टू राइट ऑफ द प्लेहेड। उसके बाद जो है इसको एक्सपोर्ट करके सेव कर लेना है। अब यहाँ जो है मैं नोट वीडियो एडिटर पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे जो है प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो है एक रेड कलर का प्लस का साइन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और वीडियो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जो मैंने काइन मास्टर से एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है, तो उसको यहाँ सेलेक्ट करके ले आना है। नीचे जो है प्ले का ऑप्शन है तो उस पर टैप करके यहाँ से थोड़ा सा टेक्स्ट को रोक लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग प्लस वाले जो है ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे एसेट स्टोर पे जाना है, ग्लो स्कैन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ग्लो कलर सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ सॉलिड कलर को फुल कर देना है और यहाँ पे आपको रेड या जो भी कलर सेलेक्ट करना हो तो रोटेट करके आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए रेड कर देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे रेडियस को 2 कर देना है और इंटेंसिटी को भी 2 कर देना है। इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर से यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, फिर से यहाँ एसेट स्टोर पे जाना है और यहाँ पे ऊपर में देखिए नेचर वाला ऑप्शन है तो नेचर वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो रेन ड्रॉप्स का एक ऑप्शन है तो यहाँ रेन ड्रॉप लगाएंगे और ब्लर को जो है यहाँ पे 0 कर देना है। तो इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे जो है ग्रीन कलर का आइकन है तो इस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका स्टेटस रेडी हो जाएगा।